वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी, या फिर आप इसे बेसन भिंडी भी कह सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे भिंडी ले लिया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है। वॉश करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया हुआ है, हम भिंडी को ऊपर से अच्छे से कट कर देंगे और साइड से, और जो है हम इसे बीच में से हाफ ऑफ कर देंगे। तो फोर पार्ट्स में हम इसे ऐसे ही करके सारे के सारे कट कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे ही करके हमें सारे कट करने हैं फोर फोर पार्ट्स में। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे कट कर लिया हुए हैं, आप देखिए। तो मैंने यहाँ पे सारे भिंडी अच्छे से कट कर लिए हुए हैं। अब जो है मैं इसमें मसाले मिला लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल बेसन लिया हुआ है, वो पूरा ही बेसन हम ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं, चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद मैं इसमें हल्का सा जीरा पाउडर ऐड करूँगी, धनिया पाउडर। अब जो है हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं भिंडी और। अब जो है हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि भिंडी और बेसन अच्छे से मिक्स ना हो जाए हमारा। मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दूँगी, एकदम हल्का सा ही पानी ऐड करेंगे। इसके बाद हम और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन जो है वो हमारा भिंडी से अच्छे से बाइंडिंग हो सके। तो ये देखिए यहाँ पे भिंडी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब जो है मैं एक फ्राई पैन ले लूँगी, फ्राई पैन में हम मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, जो हमने भिंडी को मिक्स करके रखा था वो ऐड कर देंगे और गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। इसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा चारों तरफ फैला लूँगी और थोड़ी देर तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे गैस पे। थोड़ी देर बाद ये देखिए नीचे से एकदम अच्छे से ब्राउन हो चुका है भिंडी। ऐसे ही करके हम 15 से 20 मिनट तक भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो बेसन है उसका कच्चापन चला जाए। तो यहाँ पे अब भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब जो है मैं इसको एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इसी फ्राई पैन में मैं और मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देती हूँ। मस्टर्ड ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें जीरा, मिर्ची और लहसुन का फ़ौरन लगा देंगे हम। फ़ौरन हमारा हल्का सा लाल होने के बाद हम जो है इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने पहले से ही प्याज को चॉप करके रखा हुआ था, वो ऐड कर देंगे। प्याज को भी अब हम अच्छे से थोड़ा देर तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि वो हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। हमें गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखना है। तो थोड़ी देर बाद ये देखिए प्याज भी हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर टमाटर आपको पसंद नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो टमाटर को हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है प्याज के साथ, थोड़ी देर तक हम फ्राई कर लेते हैं। मैं इसमें हल्का सा मसाला ऐड करूँगी, तो मैं थोड़ा सा और नमक इसमें ऐड करूँगी, चिली पाउडर। थोड़ी देर तक अब हम प्याज के साथ ही मसाले को भून लेते हैं और इसमें हम हल्का सा अब हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे और इन सबको अब हम थोड़ी देर तक फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई हो जाने के बाद अब जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जो हमने भिंडी को फ्राई करके रखा हुआ था अब वो हम ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से। आप अभी भी गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखें ताकि ये हल्के आंच में अच्छे से फ्राई हो सके। तो अब जो है हम इसको ढक देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसे 15 मिनट तक पकने देंगे। 15 मिनट बाद ये देखिए नीचे से हमारी भिंडी एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो हम ऐसे ही करके हल्के हल्के आंच पे फ्राई करेंगे। अब मैं जो है इसमें ऐड कर दूंगी हल्का सा मैगी मसाला, जो कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। मैगी मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे और 10 मिनट बाद ये देखिए भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है दोनों साइड ही।
अब जो है हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो होप गाइज आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।